देखा तीसरे स्कंद 123 पृष्ठ पे, ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूल उड़ाए, तीन के सुत हैं तीनों देवा, ये अंदर जीव करते हैं सेवा। इस काल के और दुर्गा के ये पुत्र हैं तीनों भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, और ये ज्ञानहीन अंधे प्राणी इन्हीं की पूजा करते हैं। अब उस समय तो धर्मदास जी सारी मान्य था कि जो कह रहे सही करे सही करे ना, तो पहले दांडी पा गया था जब वह मुकर गया था, अब सारी सुन रहा है बैठ कर चुपचाप, कत्ती नहीं चसकता, और सब बातें उसको सारी सच्ची लग रही हैं क्योंकि प्रमाण देख लिए थे। अकाल पुरुष का हूँ नहीं चिन्ह्या, काल पाए सभी गैलीन्या, ब्रह्म काल सकल जग जाने, आदि ब्रह्म को न पहचाने, आदि ब्रह्म इस काल ब्रह्म न तो सब माने बैठे भगवान है भगवान है, और आदि ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म को कोई नहीं पहचानता। तीनों देव और अवतारा, ताको बजे सकल संसारा, ये तीनों देवता और इन के अवतार राम और कृष्ण, इन सारे जो इन का जाप करन लग रहे हैं। तीनों गुण का ये विस्तारा, धर्मदास में कहो पुकारा, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना भी कैसे उतरो पार। आगे गरीबदास साहिब जी ने भी परमेश्वर की कृपा से उन्हीं के ज्ञान से उनसे प्रीतित होकर के यही ज्ञान बताया। माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए अपे खाई, ये ज्योत निरंजन और ये माया दोनों मिलकर इन प्राणियों की उत्पत्ति करते हैं और ये काल खा रहा है। अपने जाए अपे खाई, अपने पुत्रों को उत्पन्न किए हुए को स्वयं ही खा रहे हैं, ऐसा ये काल अन्यायी। माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए आप खाई, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओहंग सोहंग का है खेला, सुन शिखर में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायण मैल पठाई। स्वयं तो ये इस एक ब्रह्मांड के लास्ट में रहता है और दुर्गा को यहाँ इंचार्ज बनाकर छोड़ दिया। लाख ग्रह से नित उठ दूती, माया आज तकत की कुती, इस निरंजन को परमात्मा यहाँ लताड़ रहा है। माया का धोखा देना भी होता है, जाल होता है, माया माने जाल। इस काल के द्वारा फैलाया गया जाल ये 1,00,000 जीवों को डेली खाता है, दुर्गा इसका सहयोग दे रही है। शिखर सुन में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायण मैल पठाई, लाख ग्रह सैनित उठ दूती ही, माया आज तकत की कुती, 1,00,000 जीवों को यू काल डेली खा रहा है, दुर्गा इसका सहयोग दे रही है। 1,25,000 घड़िए नित भांडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डांडे, 1,25,000 की कहते रोज ये भांडे ये शरीर, रोज 1,25,000 उत्पन्न होते हैं, 1,00,000 को खा रहे हैं। आप देखते हो कहीं पूरे विश्व में देख लो, कहीं पर 2 आदमी इकट्ठे मर गए कि तो 10 मर गए, कि नहर में बस गिर गई कि तो 50 मर गए, कि तो विमान गिर गया, कि तो भूकंप आ गया, कहीं सर्दी से, कि तो वैसे नेचुरल डेथ, कोई हार्ट अटैक हो गया, अब बड़ा बुरा हाल कर रखा है। और बाकी मूर्ख बने लगे रहते हैं कि यो मेरा एक मिनट में ना मेरा कहाँ होगा फिर डेरा। 1,25,000 घड़िए नित भांडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डांडे, इन पुण्यात्माओं को जन्म और मृत्यु के दंड से दंडित किया जा रहा है। ये तीनों चेला बटपारी, सिरजे पुरुषा सिरजी नारी, खोखापुर में जीव भुलाए, सोपन बिस्त बैकुंठ बनाए। ये खोखापुर बताया है, कहते खोखापुर में कति नकली इस लोक में ये जीव धोखे में रखे हुए हैं, भरमा रखे हैं, भुला रखे हैं। ये अरहट का कुआ लोई, यागल बंध्या है सब कोई, कीड़ी कुंदर और अवतारा, हरहट डोर बंधे कई बारा, शेष महेश गणेश्वर ताही, हरहट डोर बंधे सब आही, शुक्राजिक ब्रह्माजिक देवा, हरहट डोर बंधे सब खेवा। ये कोटिक करता फिरता देख्या, हर हर डोर कहूँ सुन देखा, ये चतुर्भुजी भगवान कहाँ में, हर हट डोर बंधे सब आमे। अपने आत्माओं हर हट रहट
आपने हर हट कुआ नहीं देखा होगा, लेकिन उसका थोड़ा चित्र दिखाने से आसानी से समझ में आ जाता है। कहते हैं यहाँ जब तक तुम्हें पूर्ण परमात्मा की सत भक्ति नहीं प्राप्त होती और अन्य साधनाएं करके तुम क्या करते हो, यहाँ साधना की, धर्म किए, पुण्य किया, स्वर्ग में चले गए, वहाँ पुण्य क्षीण हो गए, फिर वहाँ से नरक में गए, नरक से फिर पृथ्वी पर, फिर कभी मनुष्य जीवन मिला, फिर पुण्य किए थोड़े बहुत, पुण्य के आधार पर स्वर्ग में, नरक के आधार से नरक में, फिर यहीं पर, फिर स्वर्ग में, फिर यहीं पर, फिर स्वर्ग में, फिर यहीं पर, फिर नरक में, फिर 84 लाख योनियों में। कहते हैं ये अरहट का कुआ लोई, या गड़बंजा है सब कोई। ये देखिएगा, एक अरहट का कुआ दिखाते हैं आपको, क्योंकि अब जिस समय ये ज्ञान दिया था उस समय तो ये आम होया करते हर जगह। ये समझो एक एलिवेशन है इसकी, जैसे यूं काट रखा हो कुआ दिखाने के लिए। ये जल है इस कुएं में, ये नीचे जल है, और यहाँ एक ये व्हील, एक पुली है, व्हील है, इसके ऊपर छोटे छोटे दांते से होते जैसे गिरारी का होया करें, और इसके ऊपर एक चैन लगा दी जाती है, चैन के ऊपर ये बाल्टियाँ फिक्स कर रखी हैं, इन पर नटों से लगा रखी हैं, और इसको चलाने के लिए एक अलग से बैल चलते थे, कोल्लों की तरह अलग से, और वो बैल चलते थे और ये ऐसे सॉफ्ट घुमाती थी इस चक्र को। हमने केवल ये चक्कर चक्कर आपको दिखा रखे हैं। तो ये चलता था ऐसे, तो नीचे से बाल्टियाँ पानी से भरती और ऊपर आती हैं, यहाँ खाली हो जाती हैं, देखो आगे ना, और फिर ये खेतों में पानी चला जाता है। ये एक पुली है, ये इसके चैन है, चैन के साथ ये बाल्टियाँ बांध रखी हैं, वेल्ड कर रखी हैं, और ये चैन इन बाल्टियों समेत नीचे जल में आती है, यहाँ से बाल्टी भर जाती हैं और ये ऊपर आती है भरे पानी की, और यहाँ ये खाली हो जाती है और यहाँ से पानी खेतों में चला जाता है। तो ये क्या बताना चाहते हैं परमात्मा, कि जैसे ये रहट के कुएं की बाल्टी नीचे भर कर गई ऊपर, या खाली होगी, फिर खाली नीचे न आई, फिर भरगी, फिर खाली होगी, फिर भरगी, फिर खाली होगी, फिर भरगी, फिर खाली होगी, ये रहट के कुएं का चक्कर। तो ये हमें बताते हैं, तुम्हारा जन्म हुआ, थोड़े बहुत पुण्य पाप लिए, बरके चले ऊपर जाकर स्वर्ग नरक में खाली, और फिर आगे जन्म मृत्यु का ये अरहट का चक्कर आप जी का समाप्त नहीं, और ब्रह्मा विष्णु महेश का समाप्त नहीं। ये अरहट का कुआ लोई, या गड़बंजा है सब कोई, चिट्टी कीड़ी, ये चिट्टी कीड़ी कुंदर, कुंदर माने हाथी, और अवतारा कीड़ी कुंदर और अवतारा, ये अवतार है, हर हट डोरे बंधे कई बारा, ये ब्रह्मा विष्णु महेश। कहते चतुर्भुजी भगवान कहाँ हुए, ये भी अरहट डोरे बंधे सब आवे, ये भी जन्म और मृत्यु के इस अरहट के कुएं में चक्कर में लगे हुए हैं, इनकी भी जन्म मृत्यु समाप्त नहीं है। ये कोटिक करता फिरता देखा, हर डोर को हूं सुन लेखा, ये चतुर्भुजी भगवान कहाँ हुए हैं, ये भी हर डोर बंधे सब आवे, ये है खोखापुर का कुआ, इसमें पड़ा सो निश्चय मुआ। अब क्या बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए। अब परमात्मा बता रहे हैं धर्मदास जी को, कबीर जी, ब्रह्मा विष्णु महेश ये काल के पुत्र, और दुर्गा और ये काल, इन पांचों मिल पर पंच बनाया, वाणी हमारी लइए। परमात्मा कह रहे हैं कि इन पांचों ने मिलकर तुम्हें यहाँ फंसा रखा है, उलझा रखा है, ये इन पांचों का परपंच है हमारी, जो हम कह रहे हैं इसको ले लेना, इसको बहुत ध्यान से समझ लेना,
जैसे किसी आपत्ति काल में और कोई संकेत कर दे उसको भी समझ जाता है प्राणी जो उस दुख का निवारण चाहता है। कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल परपंच बनाया वाणी हमरी लइए, इन पांचों मिल जीव अटकाए युगन युगन हम आन छुटाए। इन पांचों ने मिलकर तुम्हें यहाँ फंसा रखा है और युग युग में हमने ही आकर तुम्हारे को पुण्यात्माओं को सतलोक लेकर गए, तुम अभी रह रहे हो, तुम भी चलो। बंदी छोड़ हमारा नामम अजर अमर है अस्थिर ठामम, बंदी छोड़ नाम है हमारा परमात्मा कबीर जी कह रहे हैं, और हमारा स्थान वो सनातन परम धाम है अजर अमर अस्थिर स्थानम। अजर जैसे जर, जरा जरा माने बुढ़ापा, अजर जह बुढ़ापा नहीं हो, अमर वो अविनाशी अस्थिर जो कभी भी डगमग ना होने वाला हमारा स्थान सतलोक है। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनि जन ज्ञानी, एत्या को तो रा ना पाया ये काल के बंदे प्राणी। अब परमात्मा ने कितनी गहरी बात कही है, पीर पैगंबर कुतुब ओलिया और सुरनर मुनिजन ज्ञानी, हम हिंदी भाषी तो उनको सुरनर मुनिजन ज्ञानी कहते हैं और मुसलमान भाई उनको पीर पैगंबर कुतुब ओलिया बोलते हैं, इन्हीं को, इसी कैटेगरी के हैं वो भी। एत्या को तोरा ना पाया ये काल के बंधे प्राणी। अपनात्माओं ये वाणी जो अभी आपको सुनाई है कि ये सुरनर मुनिजन ज्ञानी, इनको भी रास्ता नहीं मिला, ये भी काल के बंध रहे हैं, इसका निर्णय यह देवी भागवत देगी। अभी दिखाते हैं आपको श्रीमद् देवी भागवत, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, हनुमान प्रसाद पोद्दार और चिमनलाल इसके संपादक हैं और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 414 पृष्ठ पे, 414 पृष्ठ में धर्म जन्मेजय ने पूछा व्यास जी से, जन्मेजय ने पूछा महाभाग किस युग में कैसा धर्म का स्वरूप है, इस संपूर्ण विषय को विशेष रूप से बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी बोले राजन यह निश्चय है कि सतयुग में ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे और उनके द्वारा निरंतर भगवती जगदम्बा की आराधना होती थी, भगवती का दर्शन करने के लिए उनका मन सदा ललायत रहता था। पुण्यात्माओं फिर यहाँ बताया है कि सतयुग के त्रेता द्वापर में जो ब्राह्मण थे, जो राक्षस होते थे, वो कलयुग के ब्राह्मणा के सेवा करते, धर्म की ये सती थी त्रेता में भी रही परंतु कुछ ह्रास हो गया था, सतयुग की जो स्थिति थी वह द्वापर में विशेष रूप से कम होगी। राजन इन प्राचीन युगों में जो राक्षस समझे जाते थे वे कलयुग में ब्राह्मण माने जाते हैं, वो कली में ब्राह्मण माने जाते हैं, जो ऊपर के तीनों युगों में जो राक्षस थे वो आजकल के ब्राह्मण ही से, क्योंकि अब के ब्राह्मण प्राय पाखंड करने में तत्पर रहते हैं, दूसरों को ठगना, झूठ बोलना और वैदिक धर्म क्रम से अलग रहना कलयुगी ब्राह्मणों का स्वाभाविक गुण बन गया है। अपुण्य आत्माओं आप जी ने ये सुना के व्यास जी कह रहे हैं कि सतयुग के ब्राह्मण वेद के पूर्ण विद्वान थे, दुर्गा ही पूजा करते थे, फूटे भाग वो किसे विद्वान थे, गीता जी में कितने जिक्र भी नहीं है दुर्गा की पूजा का, गीता जी चारों वेदों का सारांश है, ना किसी चारों वेदों में दुर्गा की पूजा का विधान केवल एक ओम नाम के जाप का प्रमाण है। और दुर्गा कह रही है कि उस ब्रह्म की पूजा करो और ब्रह्म कह रहा गीता में उस परम अक्षर ब्रह्म की पूजा करो। अब ये देखिएगा, ये है सातवां स्कंद संक्षिप्त वही देवी भागवत 562 पृष्ठ पे, यहाँ दुर्गा जी जो है हिमालय राजा को ज्ञान बता रही है और ब्रह्म के बारे में जानकारी दे रही है, देवी का के द्वारा हिमालय को ज्ञानोपदेश, ब्रह्म स्वरूप